पहले सबसे पहले बात हम करते हैं, इलेक्शन हुआ, 100 बातों की एक बात जी, इलेक्शन इमरान खान जीता हुआ है। ठीक है, जो मर्जी कोई कह दे कि भाई हमारी इतनी नशिस्तें हैं, हमारी उतनी नशिस्तें हैं, हम इधर बना लेंगे, हुकूमतें आप बना लेंगे, लेकिन जो ईमानदारी की बात है वो इलेक्शन इमरान खान ने जीता, न सिर्फ जीता भी नहीं है बल्कि इसने अपने मुखालफीन को वो धोबी पटका, समझे ना, धोबी पटका, जाए वो दो उलार उलार के वो ना वो सब बात है, तो दो धोबी पटके इमरान खान ने इनको दिए ना सर, ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ये लोग नहीं बल्कि इनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी याद रखेंगे। और ये किस वक्त हुआ है, मतलब ये देखें, एक इसकी आप वो मैं समझता हूँ ये छोटी सी बात नहीं है सारा, एक जमात है जिसके पास अपना सिंबल ही नहीं है, निशान ही नहीं है, अच्छा उसका लीडर जो है वो पाबंद सलासल है, इलेक्शन कंपेन चलाने की आपको इजाज़त नहीं है, जो सरकर्दा लोग हैं वो आपने दो दिन पहले उठा ली, जिनसे ये तवक्को थी कि भाई ये वोट निकालेंगे करेंगे, अच्छा इलेक्शन कैंप वाले दिन भी आपने देखा, मैंने सुबह बताया था मीर साहब के देखें हालात क्या हो गया कि लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, इलेक्शन कैंप में भी आके वो नहीं बैठ रहे कि भाई हमें पता है कि ऊपर से हम आएंगे तो मार धाड़ वो पकड़ रखो छोड़ जाएगी, इस सब के बावजूद अगर ये रिजल्ट आता है मीर साहब के 102 या 103 या 104 नशिस्तें आती हैं और वो भी डाउटेड हैं बहुत सारी जगहों पर, कि जहाँ पर आप ये कह रहे हैं जी लोगों को ज़रा अपने कंसर्न है कि भाई हम जीत रहे थे और हर बंदा ये कह रहा है कि भाई मेरी नशिस्त थी, मेरी नशिस्त थी, इस सब के बावजूद मैं समझता हूँ आप 102 ही कर रहे हैं, छोड़े आप यास्मीन राशिद को, छोड़ दें आप किसी ऐसी डाउट वाली नशिस्त को, आप सिर्फ 102 नशिस्तें जो क्लियर कट हो चुकी हैं आप उन्हीं को मीर साहब देख लें, तो क्या इससे मुमकिन था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस तरह की जमातें, जमात इस्लामी बड़ी पुरानी पुरानी MQM जैसी जमातें हैं और वहाँ पर 102 आज़ाद बंदा मुंतखब हो जाएगा, ये छोटी सी बात ही नहीं है। मैं कहता हूँ इनको चाहिए था कि अगर थोड़ी सी को एथिक्स, मैनर, शर्म, हया होती तो ये उठा के कहते कि जनाब ये लें जी आप अपनी हुकूमत बनाए, हम आपके साथ हैं, लेकिन बदकिस्मती फिर वही है कि जनाब जहाँ पे हमने कहा जी हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमने विक्ट्री स्पीच भी दे दी, मतलब 72 सीटों के साथ आप आके विक्ट्री स्पीच दे रहे हैं, मैं हैरान हूँ, तो इस मतलब देखिए ना कि भाई आपको आपकी अक्ल वो घास करने की हुई है, आप ठीक है मैं कहता हूँ पंजाब के लेवल पे आपने बड़ा बिल्कुल सफाया किया और आपका मैंडेट है उसको तस्लीम करना चाहिए कि जी ठीक है आपने 137 वोट नशिस्तें आपके पास मौजूद हैं, कुछ आपके पास क्यू लीग मिलेगी, कुछ आज़ाद मिलेंगे, आपका मैंडेट है, आपको बनना चाहिए, लेकिन आप विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं वफाक के लिए 72 के साथ कि जब जहाँ पे 102 अभी आज़ाद बैठे हुए हैं, 54-55 पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, बाकी लोग देख लें, और 70-72 के साथ आप वो साहब जो आ रहे हैं कि जी मैं आप जो रहा वो मैं इंशाल्लाह ये कर दूंगा, वो शहबाज शरीफ साहब को मैंने हुक्म दे दिया है, लैपटॉप भी ले आए, फलां चीज़ भी ले आए, भाई मेहरबानी करें यार, कुछ खुदा का खौफ करें, पहले तो अपने अंदर आप अगर आप में होती तो आप कहते जी मैं अपोजिशन में बैठूंगा, लोगों ने हमें मैंडेट नहीं दिया, ये तस्लीम करना चाहिए था मीर साहब, इतने बड़े लीडर से आप ये तवक्को होनी चाहिए कि भाई आप तस्लीम करते, इखलाकी जुरत पैदा करते और कहते कि भाई हमें लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, जिनको दिया है उनका हक बनता है, हम उनके साथ हैं, हम उनके दस्त बाजू बनेंगे और मिलजुल के काम आगे चलाएं, बट आपके सामने जो कुछ हुआ उसके बाद पब्लिक की जो बात है, पब्लिक को भी ये चाहिए कि भाई एक चीज़ नज़र आ गई है कि भाई इस वक्त जो अवाम है, जो वोट है वो इमरान खान के साथ है, आपने पूरी धौंस धांधली जबर जेलें सब कुछ पकड़ धकड़ के बावजूद आप ये नहीं कर सके कि जी आप उसका आपका ख्याल तो ये था कि जी आपने तो नाम भी बैन कर दिया कि जी आप नाम भी नहीं, मीडिया बैठ के आप नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन नाम भी बैन हुआ, पार्टी बैन हुई, बल्ले निशान ही बैन हो गया, सब कुछ हो गया, इमरान खान आपको वो सारा कुछ करके भी आप कुछ नहीं कर सके और आप जीरो हुए हैं, वो हीरो का हीरो है।